और अगर तुमको डर लग रहा है कि तुम्हारा बैक लगने वाला, तो ये वाली वीडियो तुम्हारे लिए, गलती से भी इस वाली वीडियो को मिस मत करना, एंड तक जरूर देखना इस वाली वीडियो को। और RGB भी है, कोई IIT नहीं है, जो मतलब आप बहुत ही टिपिकल एग्जाम आपके लिए क्रिएट किया जाएगा। और बाद में ये मत कहना कि मैंने ये वाली वीडियो नहीं देखा या फिर मुझे ये वाली वीडियो देखने का मौका नहीं मिला, ठीक है? इसीलिए अभी कह रहा हूँ ये वाली वीडियो देखो, ज़रूर देखो। हे यारो, हाँ मुझे पता है कि अभी टीचर्स ने तुमको डराया है कि हाँ भाई मेरा बैक लगने वाला है, या फिर बेटा पढ़ लो नहीं तो तुम्हारा बैक लग जाएगा, तो इसीलिए तुम इस वीडियो को देखने आए हो, है ना, कि कहीं कुछ ट्रिक्स वगैरह मिल जाए जिसकी वजह से हम पास होने की थोड़ी क्षमता हमारे अंदर आ जाए। और कहीं ना कहीं आप आज इस वीडियो को देखने के लिए इसीलिए आए हो क्योंकि आपको कुछ हिंट्स वगैरह चाहिए कि हाँ भाई कैसे भी करके ये वाले भैया हमको बैक लगने से बचा लें। तो स्वागत है आपका, मैं मिलिंद देव, और आज आपको वो सारी ट्रिक्स और टिप्स भी थोड़ी बहुत बता दूंगा जिसकी वजह से आप पास, और साथ ही साथ अगर जिनको टेंशन है कि भाई मेरा CGPA या फिर SGPA बहुत अच्छा बन जाए, 8+ या 7.5 के पार ही बने ताकि मुझे कैंपस प्लेसमेंट में कोई दिक्कत ना हो, तो स्वागत है आपका इस चैनल में। और अगर आप पहली बार आए हैं तो उम्मीद करता हूँ आप लाइक करेंगे वीडियो के एंड तक देखने के बाद। मैं पहले से नहीं कहूँगा कि भाई बिल्कुल अभी से सब्सक्राइब कर लो चैनल को या वगैरह वगैरह, मुझे नहीं चाहिए वो सब चीज़ें, आपकी चॉइस है, आपकी मर्जी है। तो शुरू करते हैं वीडियो को। टीचर्स ने आपको डरा दिया, परेशान कर दिया कि हाँ भाई देखो यार ऐसा ऐसा होने वाला है, अब आपके सेमेस्टर एग्जाम्स, और बहुत सारे जूनियर्स का मैसेज भी आया मेरे पास कि भैया हमको टीचर्स ने ऐसे बताया है कि हमारे बैक लगने वाले हैं, इस बार पेपर बहुत टफ आने वाले हैं, या फिर ऐसा ऐसा, मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसे डरावने ऐसा माहौल बना दिया जिसकी वजह से जूनियर्स काफ़ी ज़्यादा डरे हुए हैं। मतलब अभी जो नए जूनियर्स हैं ना, उनको तो वैसे भी कॉलेज के बारे में ज़्यादा कुछ पता रहता नहीं है, कुछ स्मार्ट लोग रहते हैं जो कि सीनियर्स से आके बात कर लेते हैं, कुछ लोगों को नहीं पता रहता है कि हाँ भाई क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसीलिए वो आते हैं सीनियर से पूछते हैं, और कई कई बार उनको क्या सीनियर्स भी ऐसे उल्टे पुलटे तरीके बताए थे ना कि साला वो भी घबरा जाते हैं कि इतना ज़्यादा पढ़ाई कैसे करें। और टीचर्स का क्या है, वो तो वैसे भी असाइनमेंट्स आपको दे देते हैं, फिर उसके बाद एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में कहीं ना कहीं आपको झोलम झाल में डाल देते हैं, और लास्ट में जब एग्ज़ाम्स की बारी आती है तो वो आपको डरा देते हैं कि हाँ भाई देखो अब पढ़ लो अदरवाइज़ तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता है। तो देखो यार, सीधा सिंपल सा फंडा है, आपको दो चीज़ों में डिवाइड कर देता हूँ। पहले वो लोग होते हैं जो एक रात पहले पढ़ने वाले होते हैं, दूसरे वो लोग होते हैं जो 7-8 दिन पहले से ना मतलब पढ़ना चालू कर देते हैं कि हाँ भाई ये करना है वो करना है, मतलब हमें सभी पढ़ना है और हमें ना टॉप करना पूरी क्लास में, दूसरे वाले वो होते हैं, ठीक है? और पहले वाले जो मतलब एक रात पहले पढ़ने वाले होते हैं। तो मैं अगर अपना केस बताऊं तो स्टार्टिंग में जब मैं भी मतलब कॉलेज गया था तो मुझे भी क्या टीचर्स वगैरह ने थोड़ा डरा दिया था कि मतलब ऐसा ऐसा होता है, वैसा वैसा होता है, और आपके बैक लग जाएंगे, आप बहुत ज़्यादा पढ़ने में अच्छे नहीं हैं, ऐसा कहा था कई लोगों ने। तो मैंने भी वही किया कि यार मुझे भी ज़्यादा पढ़ लेना चाहिए, अदरवाइज़ अगर पढ़ाई नहीं किया तो मेरा बैक लग जाएगा। तो इसीलिए क्या किया मैंने कि स्टार्टिंग के फर्स्ट सेमेस्टर में तो मैंने पूरे 5 चैप्टर्स पढ़ डाले, पूरे 5 के 5। और सोचो पूरे 5 चैप्टर्स पढ़ने के बाद कितना ज़्यादा मतलब पढ़ाई करना पड़ता है, आप तो जान ही चुके होंगे, अब जितने भी पढ़ रहे हैं इस टाइम पे तो उनको तो ऐसे ही प्रेशर वाला माहौल से तो वो समझ ही सकते हैं। और मैंने क्या किया उस टाइम पे कि 5 पढ़ लिए, और फिर उसके बाद मेरा जो फर्स्ट सेमेस्टर का स्कोर था वो 8.5 CGPA के आसपास था, ठीक है? तो अब इससे ये मत गेस करना कि हाँ भैया आप तो ऑलरेडी टॉपर हो तो मतलब हमें तो कुछ ऐसी चीज़ें बताओ वो टॉपर वाली, नहीं यार, मैं आपको वो बेसिकली छोटी छोटी ट्रिक्स बताने वाला हूं जिसकी वजह से आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। और RGP भी है, कोई IIT नहीं है, जो मतलब आप बहुत ही टिपिकल एग्ज़ाम आपके लिए क्रिएट किया जाएगा, RGP भी उसी हिसाब से पेपर सेट करता है जिसकी वजह से मतलब बच्चे थोड़ा सा क्या है क्लियर कर सकें, और कोई टेंशन ना रहे उनको, या फिर ऐसा ना रहे कि मतलब वो RGP ब्लेम करने लग जाए, ठीक है? तो देखो पहली चीज़ ये है कि जो एक रात पहले पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए तो सिंपल सा है कि भाई साहब पहली चीज़ आपको दिमाग में रखनी है वो है आपकी शिवानी माता, जो मैंने लास्ट टाइम पे बताया था कि भाई साहब जितने ज़्यादा आप शिवानी को पढ़ लोगे उतना ज़्यादा फ़ायदा रहेगा। शिवानी में फ़ायदा ये रहता है कि आपके लास्ट के 5 या 6 साल के पेपर्स उसमें रहते हैं पीछे तरफ, ठीक है? तो अब वो क्या है 4 या 5 साल के पेपर्स अगर आप पढ़ लेते हो तो उसमें क्या आपको बेनिफिट ये मिल जाता है कि हाँ भाई आपको एक ओवरव्यू मिल जाता है कि हाँ किस टाइप से पेपर सेट होता है और किस टाइप से हम अच्छा स्कोर कर सकते हैं, पहली चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ ये है कि 3 यूनिट्स कोई भी पढ़ लो, तो 3 यूनिट्स पढ़ने का मोटो ये है कि पहली चीज़ जब आपने वो 5 साल के क्वेश्चन पेपर उठाए तो उसमें क्या 3 यूनिट्स आपको ऐसे टारगेट कर लेना जो कि क्या ज़्यादा स्कोरिंग होती है। अब ज़्यादा स्कोरिंग रहने से ये फ़ायदा है कि आपको पता चल जाता है कि हाँ भाई साहब हर बार क्या इस सब्जेक्ट से ये 3 यूनिट्स रहती हैं जो मतलब ज़्यादा स्कोरिंग रहती है, कम से कम मैं 42+ तो आराम से स्कोर कर ही लेता हूँ। और RGP में कैसे भी भाई इस सब्जेक्ट का पेपर जब डिसाइड होता है तो उसमें क्या है टोटल 8 क्वेश्चन रहते हैं, इसमें से 5 क्वेश्चन आपको करने होते हैं, ठीक है? 5 क्वेश्चन जो कि आपकी चॉइस मतलब चॉइस पर डिपेंड करता है कि हाँ भाई आप कौन से सेलेक्ट करना चाहो। और मैं तो यही कहता हूँ कि भाई जो 3 यूनिट्स पे अगर आप पढ़ के चाहते हो ना तो सफिशियंट है, मतलब ऐसा है कि वो कई बार तो 56 मार्क्स का तो पूरा 3 यूनिट से आया था मैक्सिमम, ये बहुत रेयर चांस है लेकिन आता ज़रूर है।
तो मैं तो कहूँगा कि भाई देखो 3 यूनिट्स अगर आप पढ़ लेते हो तो बहुत अच्छी बात है, और 3 यूनिट्स वो सिलेक्ट करना जो कि ज़्यादा स्कोरिंग रहती है, अदरवाइज लो स्कोरिंग वाली आप पढ़ के चले गए तो वो क्या कई के बार दिक्कत क्रिएट कर सकते हैं आपके लिए। हाँ लेकिन इतना मैं श्योरिटी दे सकता हूँ कि अगर आप 3 यूनिट पढ़ के जाते हो तो आप पास जरूर हो जाओगे, लेकिन हाँ ये मत करना कि भाई साहब वो लास्ट के क्वेश्चन पेपर्स के हिसाब से हमने वही क्वेश्चन पढ़ डाले और बाकी हमने कुछ पढ़ा नहीं, तो वो आपकी गलती होगी। रिस्क मत लेना, मैं कह रहा हूँ कि हाँ भाई 3 यूनिट्स अगर आप पढ़ के जा रहे हो लेकिन हाँ डीपली जरूर पढ़ के जाना, ऐसा नहीं कि एक रात पहले पढ़ा और हम पास हो गए वो गलत है, ठीक है। दूसरी चीज़ जो दूसरे वाले लोग हैं कि मतलब यार हम क्या करें, हमें तो टॉप करना है, हमने तो मम्मी पापा ने बोल के भेजा है कि बेटा तुम टॉप करे बिना आ गए घर पर तो तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तो देखो यार उनके लिए भी एक सीधा सीधा सजेशन है कि देखो तुमको क्या है ये बोला जाएगा कि भैया 5 यूनिट्स पढ़ लो 5 यूनिट्स में बहुत अच्छा स्कोर कर लोगे, 70 में से 70 लेकर आ जाओगे, तो मैं कहूँगा मत करो 5 यूनिट्स पढ़ना, इट मीन्स फुल्ली वेस्ट ऑफ टाइम, ठीक है। 5 यूनिट्स की जगह पे आप 4 यूनिट्स पढ़ के जाओ, ठीक है। 4 यूनिट्स पढ़ने के जाने का ये फ़ायदा है कि भाई आप 60+ स्कोर कर लोगे, 70 में से 60+ अगर आप स्कोर कर रहे हो तो आपका ए ग्रेड इजीली बन जाता है, ए ग्रेड इजीली बन जाना इट मीन्स कि आप 8.5 CGPA के आसपास पहुंच चुके हो। लेकिन हाँ ये जो 4 यूनिट्स आप पढ़ के जा रहे हो ये 4 यूनिट्स ना मतलब आपको पूरे तरीके से डीपली पढ़ना होगा, जैसे कि लास्ट मैंने तभी शिवानी को बताया तो शिवानी में क्या है लास्ट के क्वेश्चन पेपर जो कि आपको पता चले जाएंगे तो उसमें आपको ये समझ आ जाएगा कि हाँ कौन सी 4 यूनिट्स ऐसी हैं जो कि मतलब बहुत ज़्यादा ईजियर हैं और साथ ही साथ स्कोरिंग भी हैं, तो वो आप समझ जाओगे। एक यूनिट को आप चाहो तो इग्नोर कर सकते हो, ठीक है। तो अब वो 4 यूनिट में से आप 50-60+ जब स्कोर कर लेते हो तो फ़ायदा ही फ़ायदा है। और एक चीज़ और जो कि दोनों के लिए है, मतलब एक रात पहले पढ़ने वालों के लिए भी है, दूसरी जो कि ये 4 यूनिट्स पढ़ के जा रहे हैं उनके लिए भी है, कि यार देखो RGPB में ना मैक्सिमम टाइम तुमको कोशिश ये करनी है कि जैसे कि जो तुमको पहले मतलब जो तुमको आता है वो वाला क्वेश्चन तुम पहले लिखना चालू कर दो, ठीक है। अब तुम जब उसको लिखना चालू करोगे तो क्या करोगे, तुम मैक्सिमम टाइम ना उसको मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पेजेस फिल करने की कोशिश करो, उसमें 32 पेजेस का जब कॉपी होता है ना तो उसमें से कम तुमको 10 या 12 पेज तो कम से कम भरी दो तो बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि एक क्वेश्चन के अंदर क्या टाइप्स रहते हैं A, B और C टाइप्स करके, कई कई बार ऐसा होता है कि एक क्वेश्चन के केवल 2 ही टाइप रहते हैं, तो जब 2 टाइप में कम से कम तुम एक क्वेश्चन में अगर तुम 7 पेज भरते हो या 6 पेज भरते हो तो तुमको देखो सीधा क्या कॉपी जब तुम भरते हो ना तो ऐसा नहीं कि तुमने डायग्राम बनाया आधे पेज में डायग्राम बना दिया आधे पेज में उसी को एक्सप्लेन करना चालू कर दिया, तुम गलत कर रहे हो यार। जब तुमको 32 पेज मिले तो यूटिलाइज देम ना, वाई टू वेस्ट दैट हाफ पार्ट ऑल्सो, जैसा पूरा का पूरा एक डायग्राम को एक पेज लो इसी तरीके से, और उनके छोटे छोटे पार्ट्स को भी है ना छोटे छोटे पार्ट्स में बांट दो, मतलब कि उनको क्लेरिफाई करो हर एक चीज़ को। और तुमको जैसे कि बोला जाता था कि पहले भैया पॉइंट टू पॉइंट लिखो, नहीं यहाँ पे ऐसा करो कि तुमको अगर कोई पॉइंट दिया गया ना तो उसको भी और ज़्यादा क्लेरिफाई करके लिखो, जिसकी वजह से तुम्हारे जो वर्ड्स की लिमिट है ना वो बढ़ जाए। कोशिश ये करो कि 500 से 1000 वर्ड्स तक पहुँचो तुम कुछ भी करके। और 7 पेज मैंने इसीलिए बोला क्योंकि तुम्हारा जो एक टारगेट रहेगा ना उससे क्या तुमको फ़ायदा रहेगा। क्या है टीचर्स के माइंड में ये रहता है, पहली चीज़ एक सिंपल सा फंडा बताया था, टीचर्स क्या है पैसे मिलते हैं कॉपी चेक करने के, ठीक है, 7 रुपया 8 रुपया पर कॉपी ऐसा कुछ रहता है। तो अब तुम चाहते हो कि तुम्हारी कॉपी अच्छे से पास भी हो जाए और साथ ही साथ तुमको अच्छे स्कोर्स भी मिल जाए, तो तुम क्या करोगे, इंप्रेशन क्रिएट करोगे ना टीचर के ऊपर, किस टाइप से करोगे कि हाँ भाई स्टार्टिंग के हम इतना अच्छे तरीके से लिख दें कि भाई साहब टीचर को लगे कि बच्चा बहुत पढ़ने वाला है और साथ ही साथ इसको मार्क्स अच्छे तरीके से मिल जाने चाहिए। इंप्रेशन क्रिएट करने के लिए आपको यही करना पड़ेगा, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा पेज अप फिलअप करो और साथ ही साथ अगर आप डायग्राम बना देते हो तो बहुत अच्छी बात हो जाती है। और अगर एक चीज़ और कि जैसे कई बार क्या होता है, जैसे अभी हम लोगों का था, हम लोग का भी 7th सेमेस्टर का एग्ज़ाम हुआ तो उसमें क्या था कि एक सब्जेक्ट था HMT करके मैकेनिकल से, तो उसमें क्या है पूरे के पूरे न्यूमेरिकल्स ही आ गए थे। अब उस न्यूमेरिकल की वजह से क्या हुआ था कि मतलब ऐसे तो मतलब 30% ओनली थ्योरी था और 70% पूरा न्यूमेरिकल आ गया था, तो हम लोग क्या थोड़ा घबरा गए थे और उस टाइम पर टेंशन में आ गए थे। लेकिन एक चीज़ बताया मुझे ये पता थी कि भाई गिवन के भी मार्क्स मिलते हैं, ठीक है, और अगर आप फॉर्मूला लिख देते हो देन इट्स क्वाइट गुड फॉर यू, जिससे क्या है आपको स्कोर करने में आसानी होती। तो जब एक क्वेश्चन जो 7 नंबर का आ रहा था उसमें से गिवन लिखने पर भी मुझे क्या है 1.5 नंबर या 1 नंबर मिलने की प्रोबेबिलिटी बन जाती है उस टाइम पर, तो मैं ऐसे मौके को क्यों छोड़ू अपने हाथों से। भाई जो मैंने गिवन मेरे को जो आता था वो तो मैंने अच्छे से बढ़िया 10-12 पेजेस में भर के लिखा, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जो नहीं आता था कम से कम मैंने उसमें थोड़ा बहुत तो लिखा। एटलीस्ट थोड़ा बहुत लिखने से क्या है टीचर्स को ये पता चल जाता है कि हाँ बच्चे ने एटलीस्ट ट्राई किया, जितना आप ट्राई करोगे उसके भी मार्क्स रहते हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखो। और आप लोग ना सीरियसली कहूँ जितने भी जूनियर्स हो ना आपने 12th क्लास में बहुत अच्छे से ये वाली सिचुएशंस फेस की है, आप लोग इतना ना इसको मतलब बहुत बड़ा एक फोबो क्रिएट मत करो कि मतलब हम फेल हो जाएंगे या फिर टीचर्स ने तो बोल दिया तो मतलब हमारा तो बहुत बुरा टाइम आ गया है एकदम पढ़ाई वढ़ाई नहीं कर। भाई पढ़ाई करो लेकिन इतना भी टेंशन लेके मत पढ़ो कि मतलब आपको ऐसा ना लगे कि यार मतलब डिप्रेशन में चले जाओ, नथिंग दैट यार,
सीरियसली कहूँ आप लोग क्या स्टार्टिंग में क्या टीचर्स आपके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, और अब आप समझ जाओ कि आप इंजीनियरिंग की फील्ड में आ गए तो मज़े लो इस इंजीनियरिंग के, और आप लोग बेस्ट हो यार। सीरियसली कहूँ तो आप लोग बेस्ट हो, आपको हर एक चीज़ पता है, हर एक चीज़ के बारे में आइडिया है। जब आप क्वेश्चन पेपर देखोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि हाँ ये मैंने पढ़ा था, और अगर नहीं पढ़ा था तो कोई बात नहीं, थोड़ा आजू बाजू देख लेना, कहीं ना कहीं पता चल जाएगा, ठीक है। इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें मैंने इसमें क्लेरिफाई कर दी है एग्ज़ाम के रिगार्डिंग, और तुम जितना टेंशन ले रहे हो ना उतना टेंशन है भी नहीं इस एग्ज़ाम का। सीरियसली कहूँ तो सेमेस्टर एग्ज़ाम जब तुम फर्स्ट सेमेस्टर में दे रहे हो ना तो तुम सोचते हो 6 दिन पहले से 7 दिन पहले से मैं पढ़ाई करूँगा। अभी तुम जब 6th सेमेस्टर या 7th सेमेस्टर में आते हो ना तो तुमको लिटरली पता चल जाता है हर एक जगह के लूप होल्स, और तुम 1 रात पहले या 2 दिन पहले केवल बुक उठाते हो और तुम आराम से अच्छे खासे स्कोर कर लेते हो। हाँ मुझे पता है कई लोगों के बैक लगते हुए देखा है, मैंने बैक लगते हुए इसलिए देखा क्योंकि उन लोगों ने क्या उस चीज़ को सीरियसली नहीं लिया था। मतलब यार 2 दिन पहले भी अगर आप पढ़ाई करो तो कम से कम अब तो सीरियस ले लो, नहीं दे भी लाइक हो जाएंगे भाई, पास हो जाएंगे, हम चीटिंग कर लेंगे, हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, ऐसा नहीं होता। हाँ असाइनमेंट्स वगैरह अपने टीचर्स के साथ बढ़िया बना के रखो। एमएससी में अगर कम मार्क्स भी आए तो भी कोई टेंशन मत लो। और हाँ एक चीज़ और, जैसे तुम लोगों के क्या है एमएससी में मार्क्स कम आए ना तो टीचर्स लोगों ने क्या डरा दिया आप लोगों को कि मतलब यार मेरे तो कम मार्क्स आए हैं एमएससी में तो मेरा क्या होगा। मैं अपना पर्सनली लाइव एग्जांपल बता रहा हूँ, मेरे एमएससी में 5, 4 और 6 नंबर आए थे इस सेमेस्टर में, 7th सेमेस्टर में, ठीक है। लेकिन फिर भी मेरा 8.3 CGPA कैसे बन गया या फिर 8.9 SGPA कैसे बन गया, कोई मुझे बता सकता है? जस्ट बिकॉज स्कोरिंग इन सेमेस्टर एग्ज़ाम्स। भाई जितना अच्छा आप सेमेस्टर एग्जाम्स में स्कोर कर रहे हो ना उससे फिर वो एमएससी में इतना ज़्यादा इंपैक्ट नहीं करता, लिटरली कहूँ तो, ठीक है। एमएससी में आप लोगों को क्या है? मतलब यार अच्छी बात है स्कोर करो, वो क्या है कहीं ना कहीं आपको इंपैक्ट करता है, लेकिन इतना भी नहीं कि मतलब पूरा सेमेस्टर एग्ज़ाम ही आपका पूरा रिजल्ट बिगाड़ दे, ठीक है। सेमेस्टर एग्ज़ाम जितना ज़्यादा मेन है उतना एमएससी इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, ठीक है। अगर आपके 0 भी आ रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन हाँ आपको सेमेस्टर एग्ज़ाम में थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी और कुछ नहीं, ठीक। और सारे के सारे टिप्स एंड ट्रिक्स आपके पास है, और अगर कुछ यूज़फुल लगा हो तो सब्सक्राइब करना और हो जाना हमारी इस फैमिली का एक पार्ट, जो हमारी फैमिली धीरे धीरे आगे बढ़ती जा रही है, 1K+ पहुंच चुकी है, और साथ ही साथ बहुत सारे लोगों का सपोर्ट इस चीज़ में जुड़ते जा रहा है। आई होप यू विल बी ऑल्सो अ पार्ट ऑफ आर फैमिली, ओके। चलो तो कैसा लगा वीडियो लाइक करके ज़रूर जाना अगर अच्छा लगा हो तो, और साथ ही साथ कमेंट भी कर देना। और कोई अगर मुझे कुछ ऐसा डर है जिस चीज़ से ऐसा लगता है कि यार मतलब क्या होगा हमारा ऐसा वैसा, तो नीचे इंस्टाग्राम की आईडी भी दिया हुआ है, तो आप जाके वहाँ पर जाके मेरे को पर्सनली मैसेज कर देना, आई विल हेल्प यू टू सॉल्व योर प्रॉब्लम, ओके। चलो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखो, एग्जाम का टेंशन मत लो, बिंदास रहो, डिप्रेशन में मत जाओ, ठीक है, पास हो जाओगे और आप सब अच्छे नंबरों से पास होगे, ठीक है। चलो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखो, ठीक है।